तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका? उम्मीद है अच्छा ही होगा। तो यार मैं हूँ ओके पाजी और आज मेरे साथ ओके पतंदर। और आज का भाई हम ब्लॉग पूरा मस्ती वाला है, मतलब अपने स्प्लेंडर को हम साफ करवाएंगे, उस पर टेपिंग करवाएंगे और बहुत सारी मस्ती करेंगे। तो चलिए शुरू करते। तो भाई निकल पड़े हम बाइक वॉश करवाने और हमारे साथ में होंगे आज पतंदर और बहुत ही सेक्सी लग रहे हैं पतंदर आज। क्या कहना चाहेंगे? तो आज हम जाएंगे ओके पाजी की बाइक को चिपकाने और आप रिजल्ट देखेंगे एंड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बाइक वॉश पे आके हमने बाइक वॉश करवानी शुरू कर दी और हमारा इंजन बहुत ही ज़्यादा गर्म था बाइक का और थोड़ा सा टाइम लगा इसे ठंडा होने में। उसके बाद बाइक वॉश स्टार्ट किया। इसके बाद आप देख सकते हैं फॉर्म वॉश कर दिया हमने। इसके बाद टेपिंग के लिए सीधा हम दुकान पे गए और एक दुकान का ओवरव्यू आप देखिए। यहाँ पे हर तरह की टेपिंग अवेलेबल थी और हम किसी भी कलर की टेपिंग करवा सकते थे, तो हमने चूज़ की मिलिट्री वाली टेपिंग। तो आप देख सकते हैं हमारे स्प्लेंडर की पुरानी टेपिंग तो थी, वो निकाल दी गई और हमने न्यू सिरे से ये मिलिट्री वाली टेपिंग को चूज़ किया। इसके बाद हमारी टैंकी पे टेपिंग करनी भाई ने शुरू कर दी और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से स्लो प्रोसेस से टेपिंग की है। तो 20 मिनट बाद हमारा बाइक कुछ ऐसा दिखने लगा, ठीक है। और इसकी टेपिंग में भाई ने थोड़ा टाइम तो लगाया और इसके बाद इसका बॉर्डर लगाया, लेकिन हमारा बाइक अभी से दिखने लगा था कि भाई हाँ अच्छा हो गया है, पहले से अच्छा हो गया है। इसके बाद पेट्रोल कवर जो था वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका था और इसको हमने सेम कलर से कलर करवाया। आपने ध्यान रखना है कि टेपिंग करवाते वक्त कहीं से भी बबल्स ना आ जाएं। अगर बबल्स आएं तो आप बिल्कुल ऑन द स्पॉट उस बंदे को कह के उसको चेंज करवा सकते हैं। तो फाइनल टच में भाई ने हमारी टेल पर टेपिंग की और इसको एंड में बिल्कुल कस दिया। तो यार कंप्लीट करवा लिया हमने अपनी टेपिंग और जैसे कि आपने देखा ही होगा कि भाई ने बहुत ही ज़्यादा स्मूथली काम किया है। तो आप सबसे पहले फ्रंट पे आ जाएं। तो सबसे पहले तो फ्रंट पे ये देखिए, ये जो स्पार्कल टेपिंग करती है वो वाली करवाई है। इसकी कॉस्ट भी आपको एंड में बताएंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ लाइट तक बॉर्डर है और यहाँ पे साइड पे देखिए उन्होंने एक लाइन, ब्लैक लाइन लगा दी है ताकि इसका बॉर्डर अलग हो सके। तो उसके बाद हम आगे आते हैं। तो आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी लग रही है। वो हमें ब्लैक कंसिडर कर रहे थे लेकिन हमने आगे भी इसको मॉडिफाई करवाना है, इसीलिए हमने ये मिलिट्री कलर की जो टेपिंग है यहीं पर करवा ली। और आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक सीट तक उन्होंने टेपिंग की है। हमने मिलिट्री कलर करवाया है यहाँ भी और ऊपर भी। वो ऊपर आपको ब्लैक कंसीडर करेंगे लेकिन आप मिलिट्री कलर ही करवाएं क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा शाइन मारता है। तो पीछे की तरफ आप ज़रा जूम मारिए तो यहाँ पे टेल पे भी उन्होंने टेपिंग कर दिया है और इससे क्या होता है, पूरी हमारी लुक अपने हेडलाइट से लेकर टेल तक कम्प्लीट हो जाती है। और इस सब का प्राइस अगर हम कंसिडर कर लें, अगर हम इन सारी चीज़ों का प्राइस कंसिडर कर लें, ठीक है, अपनी हेडलाइट का, टैंकी का और टेल का, तो ये सारी चीज़ें आपको 650 के अंदर मिल जाएंगी। विद इन लगवाने के 50 रुपये अलग से हैं तो 700 में आपका ये सारा कंप्लीट वर्क हो जाता है और आपको एंड में स्प्लेंडर के आप सिनेमैटिक शॉट्स भी देखेंगे कितना ही अच्छा लगता है। तो
ਥੋੜਾ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਸਮਾਨ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਇਹਨੇ ਕਾਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਬਚਾਲ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਜੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ